Hello students, so we are going to start the revision of the company audit. और कंपनी ऑडिट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा मार्क्स कवरेज है यहाँ से। सो एकदम बिल्कुल ध्यान लगा करके इस पूरे टॉपिक को आप देखिएगा। और इसको मैं 2-3 सेशन में कंप्लीट करने वाला हूँ, एक सेशन में मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, कम से कम 3 सेशन तो इसका मैं लूँगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो सारे सेशन हमारे यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होंगे और आप वहाँ से देखते रहिए इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंपनी ऑडिट में क्या पढ़ेंगे। कंपनी ऑडिट में इंट्रोडक्शन में, जैसे आपने जानते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी के लिए क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया ऑडिट। सभी कंपनीज को अपने कंपनी का ऑडिटिंग करना होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स का। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेड द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया कंपलसरी। सेक्शन 139 टू 148, सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 प्रोवाइड्स फॉर द क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर। और ये जो टॉपिक मैंने बताया ना आपको, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट एंड ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर्स, ये अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको एक 139 से मैं बिगिन करूंगा, लेकिन 128 सेक्शन में क्या है, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में। एवरी कंपनी shall prepare and keep book of accounts either in the physical form or in the electronic form and other relevant books and papers and financial statement for every year. सभी कंपनी लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि सभी कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। एंड इट विल kept at the registered office of the company which will give a true and fair view of the state of affairs of the business. जो हमारा अकाउंट्स होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स होगा कंपनी का, वह कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करेगा ऑन एक्चुअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाएगा। ये सेक्शन 128 बोलता है। अब जो ओरिजिनली हमें पढ़ना है यहाँ पर, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक। सेक्शन 139 में आप लोग चले आइए। सेक्शन 139 में देखिए, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। सर ये सब क्या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, आपके एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और राइटिंग में भी ये लिखने के लिए एग्जाम्स में आता है और आपके एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 इन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में मैं बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उनके बारे में मैं पहले आपसे बताने चाह रहा हूं, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टाइम लिमिट उनको कितना अलाउड रहता है बाय द कंपनीज एक्ट? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए टाइम लिमिट अलाउड होता है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। मेरे बच्चों, कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट, फर्स्ट ऑडिटर सॉरी, कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वह नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात हो रही है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में आपको बता रहा हूं। और फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनीज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर। टाइम लिमिट अपॉइंटमेंट के लिए कितना होगा? 30 डेज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। क्लियर है? और कंसिक्वेंस ऑफ द फेलियर टू अपॉइंट, अगर मान लो ऐसा हुआ, अगर मान लो ऐसा हुआ कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर को जो टाइम लिमिट अलाउड था 30 डेज, उस टाइम लिमिट के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा? अगर फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 डेज के अंदर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अगर अपॉइंट नहीं किया, तब इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? इन केस द बोर्ड डू नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑन टाइम, It shall inform the members of the company. Members of the company मतलब शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। In case if the board of directors do not appoint the first auditor of the company within the prescribed time limit, which is the 30 days, then they will inform to the members of the company, that is shareholders of the company, who shall within 90 days at an EGM, extraordinary general meeting, EGM, shall appoint the auditor. तो वे लोग क्या करेंगे, जब ये कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, तब कंपनी के मेंबर्स लोग ईजीएम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को वहां से 90 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। 90 डेज के अंदर मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट इसके लिए कितना है, 120 डेज। हु शैल विद इन 90 डेज एट द ईजीएम शैल अपॉइंट द ऑडिटर। ये लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड होगा कंपनी में, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड होगा यह कितने दिन तक कंपनी में राज करेगा? अरे राज करेगा मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होगा कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा? फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा, फर्स्ट एजीएम तक, पहला एनुअल जनरल मीटिंग तक। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनीज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स within 30 days from the date of the incorporation of the company. If the board of directors do not appoint the first auditor within the prescribed time limit, then they will inform to the members of the company, and then members will appoint the first auditor within 90 days at the EGM, 90 days at the EGM. After that 30 days, जब इन्फॉर्मेशन नोटिस उनको जाएगा उसके 90 डेज के अंदर ये लोग अपॉइंट करेंगे। मैक्सिमम टाइम अपॉइंटमेंट के लिए कितना रहता है, 120 डेज के अंदर अपॉइंट कर देना होता है। और टेन्योर कितना दिन तक रहेगा? जो फर्स्ट ऑडिटर अपने ऑफिस को ज्वाइन करेगा वह अपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, फर्स्ट ऑडिटर जो ज्वाइन करेगा वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस को होल्ड करेगा। क्लियर हो गया सर। अब आ जाइए गवर्नमेंट कंपनी के केस में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। गवर्नमेंट कंपनी के केस में चले आओ मेरे बच्चों। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा? ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया, CAG अपॉइंट करेगा। टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट कितना होता है? विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना होता है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर अपॉइंट करना होता है। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा ना, गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर जो सीएजी है, सीएजी अपॉइंट करेगा कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर। और अगर मान लो सीएजी अपॉइंटमेंट करने में फेलियर हो गया, सीएजी अपॉइंटमेंट करने में फेलियर होगा, देन ऐसे सिचुएशन में इन केस द सीएजी ऑफ इंडिया। सर सीएजी कौन है? अरे भाई बहुत बार क्लासेस में बताया गया, कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज ओनली अ पोस्ट। सो इन केस द सीएजी ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑन टाइम मतलब विदिन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द within 60 days from the date of the registration of the company, then board of directors of the company shall appoint such auditor within next 30 days. तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस दिन 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा, 60 डेज कंप्लीट हो गया, सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया, सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया, तो और 30 डेज ले लो, और 30 डेज ले लो, और ये 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। और इन केस द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 30 दिन का जो समय मिला था उसमें ये लोग भी फेलियर हो गया अपॉइंट करने में, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देन मेंबर्स ऑफ कंपनी को यानी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी को अपॉइंट किया, सॉरी इन्फॉर्म किया जाएगा। और उस 30 डेज के फिनिश के बाद, पहले 60 डेज था किसके पास समय, फर्स्ट का 60 डेज किसके पास था? सीएजी के पास। सीएजी कर पाया? नहीं कर पाया। देन सीएजी नहीं कर पाया तो और 30 दिन का समय वहां से अलाउ किया जाएगा किसको? बीओडी को। बीओडी कर पाया? नहीं कर पाया। देन वहां से नेक्स्ट फिर 90 डेज हो गया ना, टोटल 60 + 30, वहां से नेक्स्ट टाइम किसको अपॉइंट दिया जाएगा? वहां से नेक्स्ट समय दिया जाएगा कंपनी के मेंबर्स को, और कंपनी के मेंबर्स विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विदिन 60 डेज एट द ईजीएम। ये लोग भी कहां पर अपॉइंट करेंगे? एट द ईजीएम में अपॉइंट करेंगे। और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है? मैक्सिमम टाइम लिमिट 120 डेज का होता है, 120 डेज का होता है। टेन्योर ऑफ ऑडिटर कितना होता है भाई? टेन्योर ऑफ ऑडिटर कितना होता है? फर्स्ट ऑडिटर सर होल्ड ऑफिस, फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? फर्स्ट ऑडिटर सर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट ऑडिटर सर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये भी फर्स्ट एजीएम तक, एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। इसके बाद ये तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आपने सीख लिया, गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये लोग अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। अब इसके बाद जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का हो जाएगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब कंपनी का हो जाएगा, तो उसके बाद से आगे और ऑडिटर की रिक्वायरमेंट तो कंपनी को है, तो वहां पर जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ द क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखिए मेरे बच्चों, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या है? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो अपॉइंटेड बाय द Subsequent auditor will appointed by the subsequent auditor को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं। टाइम लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट क्या होता है? एट द एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। वहीं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मेरे बच्चों, फर्स्ट एजीएम होगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था जिसमें जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ था ना, वह फर्स्ट एजीएम तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। क्या सर फर्स्ट ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। तो टाइम लिमिट कब रहेगा? जो पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा ना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, उसी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या कर देना होगा? एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। सर इसका भी अपॉइंटमेंट होगा तो क्या ये सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा? क्या फिर ये थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा? नहीं भाई, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, फर्स्ट एजीएम पे होता है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है और वहां से 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होता है। कितने ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होता है? 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होता है। और टेन्योर ऑफ ऑडिटर क्या होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। भाई फर्स्ट ईयर पे होगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फाइव, फाइव से सिक्स, 5 साल के लिए। मतलब फर्स्ट एजीएम पे अगर उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, सिक्स्थ एजीएम तक के लिए यानी 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। सो यहां पर क्या बोला? एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ही करना पड़ेगा। इसके लिए टाइम लिमिट ज्यादा नहीं है, एट द एनुअल जनरल मीटिंग में ही करना पड़ेगा। और टेन्योर ऑफ द ऑडिटर कितना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहां पे, अच्छा ये तो सॉरी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ये था, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मैंने गलती से शायद गवर्नमेंट बोल रखा था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। कितने दिन के अंदर? एजीएम में ही करेगा। कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा? टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा? सर फर्स्ट ऑडिटर को भी सीएजी अपॉइंट करेगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को भी सीएजी अपॉइंट करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट सीएजी करता है। सीएजी नहीं कर पाता है तो बीओडी को करता है, बीओडी नहीं कर पाता है तो मेंबर्स करते हैं, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करता है। टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट कितना होता है? विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो न्यू फाइनेंशियल ईयर कमेंस होगा, कंपनी जिस ईयर में रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनी जिस ईयर में रजिस्टर्ड हुआ है वह ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद न्यू ईयर जब बिगिन होगा तो न्यू ईयर मतलब 30 सितंबर तक 180 डेज, 30 सितंबर तक 180 डेज होता है। 30 सितंबर के पहले सीएजी गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा। टेन्योर ऑफ ऑडिटर कितना होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। कब तक रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग तक वह रहता है। ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग तक वह रहता है। इसके बाद है प्री रिक्वायरमेंट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। देखिए, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने होते हैं? बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज मेड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर। द रिटेन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट। क्या वह अपॉइंटमेंट जो उसका ऑडिटर का किया जा रहा है उसके लिए वह खुद एग्रीड है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? उस ऑडिटर का रिटेन कंसेंट लेना जरूरी है। कंपनी में किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, कंपनी ऑडिटर, तो क्या वह उसके लिए अपना कंसेंट दे रहा है, इसलिए उसका रिटेन कंसेंट लेना होता है। दैट द अपॉइंटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला है? द रिटेन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर इज टेकन टू सच अपॉइंटमेंट। कैसा कंसेंट लिया जाता है? रिटेन कंसेंट लिया जाता है। That the appointment shall be in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 कि ये जो अपॉइंटमेंट है वैलिड अपॉइंटमेंट है या नहीं है। The certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141. The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment. कंपनी क्या करता है? कंपनी उस ऑडिटर को उसका अपॉइंटमेंट जिसका होना है उसको इन्फॉर्म करता है और उसकी एक नोटिस की कॉपी क्या करता है? फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। जिस मीटिंग में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होता है? एजीएम में होता है। तो जिस मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो जिस मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसके 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद चले आइए, मैंने आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। क्या मैं बताने जा रहा हूँ? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरे। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ फिलिंग अ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिलअप किया जाता है? कैजुअल वैकेंसी को इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएजी। बाय अदर देन अ कंपनी का मतलब क्या हुआ? अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएजी मतलब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी अदर देन में चला गया। इन केस ऑफ अ कंपनी, in case of a company other than the company in which the auditor is appointed by the CAG, और जिस कंपनी में CAG की तरफ से ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वह गवर्नमेंट कंपनी होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एनुअल एनी कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी हो गया वहां पर, shall be filled up by the board of directors within 30 days। कैजुअल वैकेंसी अगर हो गया तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या हो जाना? कैजुअल वैकेंसी का मतलब जैसे कि जो ऑडिटर है उसकी डेथ हो जाना, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर में इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर ये लोग कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करते हैं, 30 डेज के अंदर। इसके बाद देखिए, if such casual vacancy is a result of the resignation of an auditor, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन की वजह से हुआ, रिजाइन देने की वजह से भी कैजुअल वैकेंसी होगा। अगर ऑडिटर्स की डेथ हो गई तो भी कैजुअल वैकेंसी होगा। लेकिन अगर ये कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर्स के रिजाइन देने की वजह से हुआ है, इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, such appointment shall also be approved by the company at the general meeting conveyed within 3 months of the recommendation of the board, within 3 months of the recommendation of the board। अगर मान लीजिए कंपनी का जो ऑडिटर्स है उसकी कैजुअल वैकेंसी हुई है ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर्स ने रिजाइन देकर के कंपनी से निकल गया। देन कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको कंपनी के जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कितने दिन के अंदर? विद इन द 3 months, 3 months के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जिस जनरल मीटिंग में उन्हें शेयर होल्डर्स लोगों का भी क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा। और अप्रूवल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेगा। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, और अगर कैजुअल वैकेंसी होगा तो तारीख तो नहीं पता रहेगा, किसी भी डेट पे रेजिग्नेशन हो सकता है, डेथ किसी भी डेट पे हो सकता है। तो भाई वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? क्या वहां से जिस दिन कैजुअल वैकेंसी के वजह से जो न्यू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, क्या वह जहां जिस डेट पे अपॉइंटेड होगा वहां से फिर वह 5 year तक ऑफिस होल्ड करेगा? नहीं, जो पुराना वाला ऑडिटर था ना उसका जितना दिन अभी बचा हुआ, जितना ईयर उसका बचा हुआ है, से फॉर एग्जांपल मान लो 2 year उसने ऑलरेडी काम कर लिया था, 2 years के बाद रिजाइन दे दिया, तो अभी उसका टेन्योर कितना ईयर का बचा हुआ था? 3 years का टेन्योर बचा हुआ था। तो सबसे जो कैजुअल वैकेंसी के जगह पे एट द प्लेस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी जिस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, वह अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ द रिमेनिंग पीरियड के लिए वह अपना अपॉइंटेड होगा। द ऑडिटर्स अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑफिस को होल्ड करेगा। फिर द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एंड द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग दैट विल बी डिसाइडेड कि उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। इन केस द कंपनी व्हिच अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएजी। अब ये किसके लिए है भाई? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। अब आप पढ़ने जा रहे हो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होगा तो उसको कैसे फिलअप किया जाएगा। In case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the CAG, any casual vacancy will be filled by the CAG within 30 days. अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी भी होगा, तो उस कैजुअल वैकेंसी का जो फिलअप है वह CAG ही करेगा, within 30 days करेगा। In case CAG जनरल मतलब कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द अफोर्सेड पीरियड, मतलब 30 डेज। अगर 30 डेज जो उसके लिए टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ उस टाइम लिमिट में अगर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया सीएजी, देन ऐसे सिचुएशन में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेल्फ फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तब आने वाला जो अगला 30 डेज है उस 30 डेज में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर देंगे। देन अगले पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चों, कंडीशंस फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, हिज कंडीशंस क्या है? रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करने के लिए कंडीशंस क्या है? ही इज मतलब रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। ठीक है, मतलब वह कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं हो, मतलब ही शुड नॉट सफर फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, 141 सबसेक्शन 4 एंड 144। ये भी पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के आप लोगों को। तो पहला कंडीशंस क्या है? वह डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। कब किसी ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर जब वो अपना रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है कंपनी में एज अ ऑडिटर। इसके लिए क्या प्रोविजन है? पहला नंबर प्रोविजन तो ये है कि वह डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed। कंपनी को उस रिटायरिंग ऑडिटर की तरफ से कोई अपने अनविलिंगनेस की नोटिस नहीं दिया होना चाहिए। अगर मान लो जो रिटायरिंग ऑडिटर है कंपनी को उसने पहले ही नोटिस लिख करके भेज दिया है कि आई एम नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड एज द ऑडिटर इन योर कंपनी, देन ऐसे सिचुएशन में कंपनी उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाएगा। नोटिस उसके तरफ से अनविलिंगनेस का नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद से कैसा रिजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। हैज बीन पास्ड एट द मीटिंग appointing some other auditors or providing expressly that he shall not be reappointed. He shall not be reappointed. इस लाइन को ध्यान से देखिएगा बड़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट द मीटिंग, अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट द मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर्स। कंपनी के मीटिंग में, कंपनी के मीटिंग में कोई एसआर नहीं पास होना चाहिए। किस लिए स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास होना चाहिए? कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसके प्लेस पे किसी अदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसे तरह का मीटिंग में कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए। अगर मीटिंग में पहले से ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो चुका है कि रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड एंड एट द प्लेस ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द कंपनी, देन ऐसे सिचुएशन में कंपनी में उस रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और he has not furnished a written certificate that he is eligible under the ceiling limit under section 141 subsection 3 clause G. he has not furnished a written certificate that he is eligible under the ceiling limit, eligible ceiling limit में, then ये situation में where at any annual general meeting no auditor is reappointed, अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में ही, एजीएम में ही क्या करना चाहिए, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं। देन एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर मान लो किसी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ और कोई भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनी का पहले से कंटिन्यूइंग ऑडिटर है वही ऑफिस में कंटिन्यू करता रहेगा। इसके बाद आ जाइए आप लोग रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, रोटेशन ऑफ ऑडिटर पॉइंट में आप चले आइए। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन जो है कौन से कंपनीज लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तब प्रोविजन फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल बी एप्लीकेबल टू, कौन कौन से कंपनी के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज, ओपीसी और स्मॉल कंपनीज को छोड़ करके सभी लिस्टेड कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। एवरी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर पे, प्राइवेट कंपनी पेड अप के शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, और ऑल अदर कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर। कोई भी अदर कंपनीज जिसका पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से मिला करके 50 करोड़ या उससे ज्यादा का पब्लिक बोरोइंग है, वैसे कंपनियों में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो चलो एक बार इसको रिपीट करते हैं हम लोग। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजन सभी लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट द ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। एवरी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर, एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, और एनी अदर कंपनीज हुज पब्लिक बोरोइंग इज पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, देन इसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 140 में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन 140 में रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, सेक्शन 140 रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। इसमें देखिए क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन में बी पास टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर ऑडिटर का जो टर्म है, टर्म उसका 5 इयर्स का रहता है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के बाद, तो उस टर्म के पहले अगर ऑडिटर्स को रिमूव करना है इसके लिए हमें क्या करने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बोर्ड रिजोल्यूशन टू बी पास टू रिमूव द ऑडिटर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। एप्लीकेशन टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और बोर्ड रिजोल्यूशन पास किए जाने के 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना होता है। एंड द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा, अगर ऑडिटर्स को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, देन ऑल द फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। जिस डेट पे बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वहां से 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट बोर्ड रिजोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए 30 डेज ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। एंड द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग within 60 days of the receipt of the approval from the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए आपने एप्लीकेशन किया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसके 60 डेज के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग होल्ड किया जाएगा और उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। एंड द ऑडिटर जो कंसर्न रहेगा, जिसको रिमूव किया जाना है, द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड बिफोर हिज रिमूवल। उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जाएगा, उसको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हम लोग आपको किस कॉजेस से रिमूव कर रहे हैं और अगर ये कॉजेस के लिए आपके पास कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन है कि आपको क्यों नहीं रिमूव किया जाए, इसके लिए उसको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड फॉर बिफोर रिमूवल उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, द ऑडिटर शैल फाइल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। द ऑडिटर शैल फाइल अ स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। कंपनी के साथ भी और रजिस्ट्रार के पास भी, दोनों जगह पर अपना स्टेटमेंट फाइल करेगा ऑडिटर्स। रेजिग्नेशन कैसा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देगा, रिजाइन देगा, तो ऑडिटर रिजाइन देने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर कंपनी के पास एंड रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट फाइल करेगा। द ऑडिटर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल एडिशनली फाइल सच स्टेटमेंट विद द सीएजी। अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, देन रेजिग्नेशंस करने के बाद दो जगह पे अपने स्टेटमेंट को फाइल करेगा, एक कंपनी के पास और एक रजिस्ट्रार के पास। अगर गवर्नमेंट कंपनी का अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिटर है तो उसे 3 जगह पे ये चीज फाइलिंग करना होगा, कंपनी को, रजिस्ट्रार को और एज वेल एज सीएजी को। इंडिकेटिंग द रीजन, क्या बताएगा उसमें, इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर फैक्ट एज मे बी रेलिवेंट विथ रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशंस। दोनों ही डायरेक्टर्स लोग जब भी ये स्टेटमेंट फाइलिंग करेंगे तो इस स्टेटमेंट फाइलिंग में अपनी ये बात भी शामिल करेंगे कि किस कारण से इस कंपनी से वे लोग रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से ब्रीच ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। जिसमें जो मैंने यहाँ पर बताया, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर करने पे उसे फाइलिंग करना होता है। अगर वह गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो उसे कंपनी के पास, रजिस्ट्रार के पास और एज वेल एज सीएजी में भी उसे फाइलिंग करना पड़ता है। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिटर है तो उसे रजिस्ट्रार और कंपनी के पास फाइलिंग करना पड़ता है, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया, इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, he or she will be punishable with fine ₹50,000 which may be extended to ₹5 lakh। 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। रिमूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। अनलेस द ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 years और 10 years एज द केस मे बी, हिज रिमूवल शैल बी अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर गिविंग अ स्पेशल नोटिस। अगर ऑडिटर्स ने अपना 5 years का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, तब एनुअल जनरल मीटिंग में उसके लिए क्या किया जाएगा, उसका रिमूवल किया जाएगा और स्पेशल नोटिस दे करके। Special notice must contain the information on the representation made by the retiring auditor. A copy of representation shall be sent to all the members. इस representation की copy सारे members को भी forward किया जाएगा. If a copy of the representation is not sent because it was received too late or because of the company's default, the auditor may require that the representation shall be read out at the meeting. क्या बोला? अगर if the copy of the representation अगर नहीं भेजा जा रहा है और तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि ऑडिटर जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पर इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के सुनाया जाए. कंपनी और एनी अदर एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर नॉट सेंडिंग और रीडिंग द रिप्रेजेंटेशन. कंपनी या कोई भी अदर एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई टू ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं फॉर नॉट सेंडिंग और रीडिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ दिस राइट इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर्स. अगर ये राइट ऑडिटर्स नहीं फॉलो करता है तब. अच्छा, इसके बाद सर ट्राइब्यूनल जो अगर इसका मिसयूज हुआ है तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड करने के लिए. इफ द ट्राइब्यूनल इफ सेटिस्फाइड दैट द ऑडिटर इज मिसयूजिंग हिज पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देन द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी सेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रीड आउट एट द मीटिंग. देन द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड करने की जरूरत नहीं और उसको मीटिंग में भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. डायरेक्शन बाय ट्राइब्यूनल फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स. डायरेक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर इंपॉर्टेंट है. इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, इट में मतलब ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स. अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी के ऑडिटर ने किसी फ्रॉडुलेंट मैनर में वर्क किया है कंपनी के लिए या डायरेक्टर के साथ या कंपनी के किसी ऑफिसर के साथ, देन ट्राइब्यूनल्स कंपनी के डायरेक्टर्स को ऑर्डर कर सकता है उस ऑडिटर को रिमूव करने के लिए. सच डायरेक्शन में भी शू मोटो बाय इट्स ओन विल बाय द ट्राइब्यूनल और ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द ट्राइब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी अदर पर्सन कंसर्न. शू मोटो मतलब ये ट्राइब्यूनल खुद के विशेष से भी कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई अदर कंसर्न्ड पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है. इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया और अगर लगता है ऐसा ट्राइब्यूनल को कि यहाँ पे ऑडिटर्स को चेंज किया जाना चाहिए, इट सेल विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक एन ऑर्डर दैट He shall not function as an auditor. वह तुरंत ऑर्डर करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि इस ऑडिटर को एकदम इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाए. या सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉइंट ऐसे समय में अच्छा नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर, उसको ऑडिटिंग से हटा दिया जाए और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस. सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जगह पर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेगी. द ऑडिटर against whom final order has been passed by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years. सोच लो अगर एक बार fraudulent manner में पकड़ा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कर दिया, ट्राइब्यूनल उसको रिमूव करने का ऑर्डर कर देगा और ऑर्डर करने के बाद से वो ऑडिटर किसी दूसरे कंपनी में भी 5 years के लिए ऑडिटिंग पे अपॉइंट नहीं हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर्स. ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? सेक्शन 141 एंड सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 141 सब सेक्शन 2. ऑडिटिंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा? एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही किसी कंपनी का क्या कर सकता है? ऑडिटिंग कर सकता है. भाई कॉस्ट अकाउंटेंट लोग कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है. सो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. Okay. A firm where the majority of the partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm, may be the auditor of a company. A firm, ध्यान दीजिएगा, a firm मतलब partnership firm of the chartered accountants where the majority of partners practicing in India, जिसके majority of partners इंडिया में practice कर रहे हैं as a chartered accountant and are qualified for appointment. and all are qualified for appointment as an auditor of the company. मतलब all are qualified as an appointment of the auditors of the company. That means they are the chartered accountant. Shall be appointed by the firm. Aforesaid may be appointed by its firm name to be the auditor of the company. तो वह firm name से उसमें से सभी majority of partners है तो firm name से ये लोग firm name से as a auditor appoint किए जा सकते हैं. Or where a firm including a limited liability partnership firm is appointed as an auditor of a company, only the partners who are CA shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. कोई limited liability partnership है जिसमें CA भी partner है, cost accountant भी partner है, company secretary भी partner है, तो उसमें जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पार्टनर उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही पार्टनरशिप क्या करेगा, ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द एलएलपी और फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ द एलएलपी और फर्म. तो ये आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में क्या है, कौन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन लोग ऑडिटर्स के पोस्ट पे एलिजिबल है अपॉइंटमेंट होने के लिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसा फर्म जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया and are eligible to be appointed as an auditor of the company, then they will be appointed for the audit of the company with the firm name, with the by its firm names, or where the firm including the LLP is appointed as an auditor of a company. किसी LLP को किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, then उस LLP का जो पर्सन, LLP में पार्टनर बहुत सारे होंगे, उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वे लोग कंपनी के ऑडिट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है ना, और वे लोग ही उस एलएलपी के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए एलिजिबल है, मतलब एक्ट करने के लिए, दैट मींस ऑडिटिंग करने के लिए ऑथराइज्ड होंगे. इसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आप चले आओ. नेक्स्ट पॉइंट आपके बड़े हैं, दिख रहा आप लोगों को, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट आपका बड़ा है, इस पॉइंट पे चले आइए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 रिड विथ रूल 10. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है. क्वालिफिकेशन पूछा तब तो बहुत सिंपल है, आप आराम से लिख के आ जाओगे, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर हु आर डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द LLP एक्ट 2008. अभी अभी मैंने क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने LLP के बारे में यहाँ पे बताया कि LLP किसी कंपनी का ऑडिटर्स अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन इस LLP का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर होंगे, वे लोग ही ऑडिट वर्क कर सकते हैं, ऑथराइज्ड है करने के लिए. तो कोई भी, और LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, LLP एक्ट 2008 में मैंने आपको बताया है. तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, any body corporate are disqualified to be an auditor of the company, but LLP registered under LLP Act 2008 is eligible. Then any officer or employee of the company is disqualified to be appointed as an auditor of the company. Any person. Then next, any person who is a partner or who is in the employment of any officer or employee of the company, कंपनी के किसी ऑफिसर या कंपनी के किसी एम्प्लॉय का, कोई पर्सन एम्प्लॉय का या ऑफिसर्स का वह एम्प्लॉयमेंट में है या फिर उसका पार्टनर है, तो वह पर्सन भी उस कंपनी का ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं हो सकता. एनी पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या अपने रिलेटिव के थ्रू या उसका कोई पार्टनर is holding any security of or interest in the company or its subsidiary company or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company, provided that the relative may hold securities or interest in the company of face value not exceeding ₹1 lakh, not exceeding ₹1 lakh. 1 लाख से ज्यादा वैल्यू का अगर, फेस वैल्यू का अगर कंपनी में उसका सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड होता है, तो वैसे पर्सन का कोई रिलेटिव या पार्टनर भी उस कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. फिर इसके बाद से हमें क्या बोला है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट बाय अ रिलेटिव अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ₹1 लाख तक का जो लिमिट है, द करेक्टिव एक्शन टू बी मेंटेन्ड द लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव शैल बी टेकन बाय द ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट. ये 60 डेज तक में उसका 1 लाख से ज्यादा का वैल्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है, इंडेप्टेड टू द कंपनी, कंपनी से कर्ज लिया हुआ है उस पर्सन का 5 लाख रुपए से ज्यादा, तब वो उस कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वो सेम लाइन लिखा हुआ है। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कोई भी ऐसा पर्सन या फर्म जिसका उस कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है, या उसके सब्सिडरी या होल्डिंग के साथ, या एसोसिएट कंपनी या एसोसिएट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी, उनके साथ अगर बिजनेस रिलेशनशिप है, देन दैट पर्सन और फर्म विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम लोगों का, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और द केएमपी, कोई भी पर्सन जिसका कोई रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है या कंपनी का केएमपी है, देन दैट पर्सन, मतलब उसका रिलेटिव उस कंपनी में केएमपी है, लेकिन वह पर्सन फिर भी उस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट, और 20 कंपनी से ज्यादा, 20 कंपनी, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन एल्सवेयर, कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट्स एज एन ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। 20 से ज्यादा अगर कंपनीज का अगर उसने ऑडिटिंग लेके रखा है तो उससे ज्यादा फिर वो और नेक्स्ट कंपनी में अपॉइंटेड नहीं हो सकता है। अदर देन ओपीसी, ओपीसी डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हाइब्रिड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ और लेस तक का, कितना भी कंपनी का वो ऑडिटिंग कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें वह सिर्फ और सिर्फ 20 कंपनी का ही ऑडिटिंग कर सकता है। या फिर अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट एज एन ऑफेंस, वह किसी अगर ऑफेंस में है, देन ऑफेंस में फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द फ्रॉड इन्वॉल्व एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, कन्विक्टेड पर्सन है और किसी फ्रॉडलेंट मैनर में कन्विक्टेड पर्सन है, 10 years का टाइम एक्सपायर होने के बाद भी वह कंपनी में के बाद ही वह कंपनी में अपॉइंट हो जाएगा। 10 years नहीं एक्सपायर हुआ अभी तक कन्विक्शन के बाद, तब तक वह कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर्ड टू इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 1 सेक्शन 44 सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, कंपनी के होल्डिंग कंपनी को कर रहा है या फिर उसके सब्सिडरीज कंपनी को कर रहा है, एसोसिएट कंपनी को कर रहा है, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये भी है आपका पॉइंट। इसके बाद से रिम्यूनरेशंस ऑफ द ऑडिटर में चले, और द रिम्यूनरेशंस इज फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं फर्स्ट ऑडिटर का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कौन करता है। The remunerations including the out of pocket expenses is fixed in the general meeting or in the manner prescribed in such a meetings. Subsequent auditor का general meeting में fix किया जाता है उसका remunerations or the manner prescribed in the meeting. However, this does not include any remunerations paid to him for any other services rendered by him. अगर वह एज अ ऑडिटर होने के साथ साथ अगर कोई अदर सर्विस भी वह कंपनी को प्रोवाइड करे तो वह remuneration इसमें शामिल नहीं है। लाइक कि एडवाइजरी कोई सर्विस दे रहा है वह फीस में शामिल नहीं है remunerations में। तो आज मैं यहीं तक बताया क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ तक आप अच्छे से करोगे। इसके आगे के फर्दर सेक्शंस में दूसरे क्लासेस में दूसरे सेशन में आपके सामने लेकर के आऊँगा, इसको आप जरूर अच्छे से फिनिश कीजिए। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से करो। मेरे को लग रहा है कि एक बार डिस्क्वालिफिकेशन मेरे को इन शॉर्ट जल्दी जल्दी एक बार बोल देना चाहिए आप लोगों को। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता है, कोई भी ऑफिसर और कंपनी का एम्प्लॉय है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है, कोई भी पर्सन जो कि पार्टनर है जो कि कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के डायरेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में है या उसका पार्टनर है तो वह पर्सन भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और कोई भी पर्सन जो खुद या उसका रिलेटिव या पार्टनर के थ्रू कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है मोर देन ₹1 लाख से ज्यादा वैल्यू का, then that person या उसका रिलेटिव या पार्टनर विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कोई भी पर्सन जो कंपनी से कर्ज लिया हुआ है, इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी 5 लाख रुपीज से ज्यादा वैल्यू का, देन दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अच्छा, कोई भी पर्सन जिसका कोई रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में या केएमपी है, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और वह कंपनी में 20 से ज़्यादा कंपनियों का भी वह ऑडिटिंग नहीं कर सकता। 20 से ज़्यादा कंपनी का 20 कंपनी तक का ही ऑडिट कर सकता है। 20 से 21st कंपनी में जाएगा तो उसका अपॉइंटमेंट किसी एक कंपनी में पहले से छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह अपॉइंट किया जा सकता है। और कोई भी पर्सन जिसके ऊपर फ्रॉड में कन्विक्टेड पर्सन है बाई द कोर्ट और 10 ईयर्स का पीरियड अभी तक इलेप्स नहीं हुआ है, तब दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और कोई भी पर्सन जो 144 सेक्शंस में प्रोवाइडेड जो सर्विसेज है वह कंपनी को प्रोवाइड करता है, देन दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इन पॉइंट्स को आप ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे, अपॉइंटमेंट बहुत सिंपल है, याद हो सकता है। और इसके बाद आगे के जो सेक्शंस है वो अगले सेशन में मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इतना रिविजन्स करो। थैंक यू सो मच एवरी वन, ऑल द बेस्ट।